क्या हाल चाल कैसे हो आप लोग क्या मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे so, हैं है. है? है, तो आप में से कितने लोग हैं जो आ, विदा, का जो बेंगलोर ऑफिस है उसे देखना चाहते हैं जस्ट राइट इन चैट सेक्शन तो हुआ कुछ यू था कि कोरोना के चक्कर में हमारा जो विदांतु क्योंकि बहुत सारे टीचर्स एक्चुअली शिफ्ट हो गए थे अपनी अपनी जगह पे और उसके बाद वेदांतू का जो ऑफिस है बेसिकली वो बहुत रिनोवेट किया गया बहुत चेंज किया गया और काफ़ी लोगों ने वो बेंगलोर का वो जो हमारा वेदांतु ऑफिस है वो बहुत लोगों ने नहीं देखा है सो आज मैं आप लोगों को बेंगलोर का वेदांतु ऑफिस दिखाने वाला हूँ मैं एक्चुअली आया हुआ था मीटिंग के लिए तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना आप लोगों को वेदांतु के हमारे जो बेंगलोर ऑफिस है स्पेशली जो हमारे एम का ऑफ़िस है टीचर्स का ऑफिस है उसका टूर करवाया जाए तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि आप अच्छे से मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो प्लीज़ टेल मी क्या मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो कौन कौन देखना चाहता है तो आज मैं आप लोगों को टूर करवाने वाला हूँ और आप लोग बेंगलोर वेदांतों के बेंगलोर ऑफिस को भी देखने वाले हो इतना खूबसूरत बनाया है कि मैं क्या ही बताऊँ तो ये फर्स्ट व्लॉग है और जो मै हमारे एम हैं जो हमारे एम हैं मास्टर टीचर्स हैं उन्होंने भी बेंगलोर का ये ऑफिस नहीं देखा होगा और औसम वोसम लोगों से मिलवाऊंगा ठीक है सो ये लाइव सेशन चल रहा है और हमारे सबसे पहले हमारे सी ए साहब आ चुके हैं वेदांतु के ये अपने ना ये मास्क हटाओ पहले ये लाइव 770 बच्चे देख रहे हैं आपको ये है, है हमारे आदित्य जी हाँ सेवन सेवन से, सेवन सेवन एट सो हमारे आदित्य जी हैं जो हमारे हम लोग कहें कि <laughs> <laughs> हमारे जो मास्टर टीचर्स हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं अगर ये नहीं हो <laughs> तो हमारी जो इकतीस तारीख को खुशी आती है <laughs> वो शायद ना आए <laughs> सो आदित्य जी कुछ कहना चाहते हो मास्टर टीचर्स आर लाइफ मैन ऑफन अच्छा ठीक है चलो अब मैं आपको टूर करवाता हूं तो फाइनली अभी तो ये टूर शुरू हुआ है ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि विदांतु में टोटल चार फ्लोर हैं तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है और कैसे है ठीक है सो so, आप में से कितने यार कितना तो देना पड़ेगा ना यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा सो so, कितने लोग हैं जो अभी विदांतु का बैंगलोर ऑफिस देखना चाहते हैं जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन अभी के अभी लिखो यार और आप लोगों को बेहतरीन लोगों से मिलवाऊंगा मैं है ना और लाइव सेशन में देखने का मजा ही कुछ और होता है तो चलो मैं आपको दिखाता हूं ठीक है सो चलो देखो सबसे पहले ये है फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ये बना हुआ है सिटिंग एरिया यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेगा ये सिटिंग एरिया है और यहाँ पर आराम से आप बैठ के अपना काम कर सकते हो ऐसे ये ऑफिस है लुक एट इट दिस इज स्टार्टअप ऑफिस और यहाँ पर बैठ के आप आराम से काम कर सकते हो एकदम चिल पिल नीचे ग्रास लगा हुआ है यहाँ पर बीन बैग्स हैं और यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो ये फर्स्ट फ्लोर है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर तो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है और उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर सारी सुविधा दे रखी है ये पानी के लिए फ्रिज है यहाँ पे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी जाती हैं और जो भी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो सब इसी में पड़ी रहती है और आराम से खा पी के काम कर सकते हो आप है ना बैठ के आराम से काम किया जा सकता है ओके okay. और उसके अलावा थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेके चलता हूँ ये छोटे छोटे से कैबिन बनाए हुए हैं इट ये छोटे छोटे से कैबिन हैं जो आप लोगों को दिख रहे होंगे और इन कैबिन में क्या होता है कि एम या फिर किसी को भी बैठना हो आराम से बैठ के यहाँ पे क्या कर सकता है अपनी क्लास ले सकता है इंटरनेट यूज कर सकता है इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है है ना जो कि बेहद खूबसूरत है आराम से बैठ जाओ यहाँ पे इस तरह से और बैठ के आराम से एकदम ऐसे सो ऐसे बैठ गए अपनी प्रेवेसी की प्राइवेसी और उसके बाद बैठ के अपना लैपटॉप वगैरह चलाना है काम वगैरह करना है वो कर सकते हो अच्छा खास बात है कि फर्स्ट फ्लोर पर हमारे पुलकित सर भी अभी मिलेंगे जो हमारे वन ऑफ द फाउंडर हैं के वो भी आज हैं और उनसे आपको मुलाकात करवाता हूँ तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और थोड़ा मुझे वायर लंबा करना पड़ेगा दिखता है है ना उसके बाद हम लोग चलते हैं और आगे और क्या है जरा हम देखें सो यहाँ से ये गैलरी है जो कि आगे की तरफ ठीक है अब ये गैलरी है और ये छोटे छोटे से ऑफिस बने हुए हैं जहाँ पर लोग बैठ के काम करते हैं जैसे ये वहां से अभी काम कर रहा है ना हाय So what's your name bro? Kanal Kanal Dubey. Kanal. So he's Kunal right now. Kanal uh, almost 1158 wow. people are watching right now. Hi hi everybody. Okay. So wanna say something? Come on dude. Okay. Okay. Wish you guys a very very happy new year guys. Stay well, stay safe, stay sane. Amazing amazing. Thank you. Okay. So Kunal. कितना time हो गया है यहाँ पे विदांतों uh, पे? अभी मुझे हो गया है almost 45 five days. So I had the marketing team now. Okay. सो डेज हो गए में आके सीम्स लाइक मंथ्स ओके अमेजिंग यार चलो सो so ये थे खुदाल ओके सो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे देखो ये एक और सिटिंग एरिया बनाया है वेदांतु में और एक सेकेंड मुझे माइक लगाना पड़ेगा फिर से तो ये एक सिटिंग एरिया बनाया है जिसमें एकदम से ये मेरा एरिया जो है ना ये वाला ये बहुत मेरा फेवरेट एरिया है लुगड़ एट किस तरह से बनाया है इसे बहुत ऑसम awesome. मतलब आराम से चिल चिलपिल कर सकते हो ये ऑफ़िस नहीं लगता है ना जनरली ऑफिस में क्या होता है जनरली ऑफिस में होता है एक टेबल लग रहा है चेयर लग रहा है सीरियसनेस है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एकदम कूल cool है ये चेयर्स हैं बुक्स हैं ये देखो पीछे बुक्स हैं आप आराम से बैठ के कोई भी मास्टर टीचर होगा वो पढ़ भी सकता है ये देखो इस तरह से बुक्स लगी हुई हैं और फाइनली ये चेयर्स हैं और बहुत ही चिल पिल एकदम एकदम क्या ही बताऊँ मैं आ, आराम से बैठो सो जाओ और क्लास लो यहाँ से लुगड़े ओके सो so, इस तरह से यहाँ पर आराम से चिल पर लो के क्लासेज ली जा सकती हैं और ऐसे करके आराम से बैठा मतलब बैठा जा सकता है सोया जा सकता है चिल किया जा सकता है यहाँ पे वैसा नहीं है कि आप ऑफिस में टेबल होगी चेयर होगी वहाँ पे सीधे बैठना पड़ेगा आराम से बैठ के कहीं भी जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पे काम कर सकते हो यही तो फ़ायदा है एडटेक कंपनी का नहीं सो दिस इज़ एडटेक कंपनी बेसिकली है ना सो so, यहाँ पे मायने रखता है कि भैया आपके पास लैपटॉप हो और आप कहीं भी बैठो फिर उसके बाद अपना काम करो चलो अब उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ वेदांतु में अगला जो सेक्शन है वो बहुत ही प्यारा है बाय द मैं बता देता हूँ हमने इसको ये जो फर्स्ट फ्लोर था उसको एक्वायर किया और उसके बाद उससे पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था ठीक है सो so यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है आपको लोग काम करते दिख रहे होंगे है ना सो so वहाँ पे रेस्टोरेंट की जैसी फीलिंग आ रही होगी सो होंगी आपको अब मैं आपको मिलवाता हूँ यू बिजी राइट नाउ ओके सिम राइट नाउ ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग ओह शिट हाय हाय गाइस हाउ आर यू Sorry, sorry. Okay, I'm giving you more. I hey guys, hi, hi. Hope your uh, preparation is going good, and uh, I'm sure Arvind uh, sir is already there to help you out in a lot of things. But all the best for your exams and all the best for everything. I'm sure Vedantu teachers are everywhere. Uh, the teachers, the entire team is always there for you guys. So all the best. Thank you. Amazing. Thank you so much. Thank you so much. सो so, ये सेटिंग एरिया है और यहाँ पर बैठ के लोग एकदम एकदम बढ़िया है ना ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट्स देखो जैसे कि होटल होता है ना वैसा वैसे सेम फीलिंग आता है अमेजिंग यार और यहाँ देखो पीछे अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैक आपको मैं थोड़े से ऑफिस दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं ओके लुक एट इट दीज आर द ऑफिस एंड क्लासेस जहाँ से बेसिकली क्या होता है सारे एम क्लास लेते हैं मास्टर टीचर्स क्लास लेते हैं और पीछे वाला एरिया बहुत ही खूबसूरत है मतलब ये यह देखो यहाँ से डायरेक्टली बाहर देख सकते हैं आप is one more man. Hi sir. Hi. So what's your name? Arvind. Arvind, okay, I'm Arvind hi, sir. I am Arvinder. Okay Arvind के आगे क्या है? Arvind single. Arvind single. अच्छा Arvind single आप हैं? Yeah. Okay. ठीक है. तो अभी देखो मेरा भी पहली बार मिलना हुआ है. Seventeen hundred students are watching right now. Oh my god. है yeah, ना? Amazing. So okay. how are you guys doing? How are you students? So basically कोई message देना चाहता हूँ आप इनको. I I would just say all the best to you guys. We are very excited and we would love to you know be with you in whatever you need. and that's what arvind sir would say i think yeah. <laughs> right so students have fun with vedantu and we are, we are there for you students ओके अमेजिंग अरविंद सर थैंक यू सो मच अब देखो पीछे का जो व्यू है ना यहाँ पे बैठ के जैसे सर यहाँ अभी काम कर रहे थे तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे अगर हम लोग चलें तो इस तरह से सिटिंग एरिया आराम से बैठो यहाँ पे काम करो और पीछे यहाँ पे स्ट्रीट दिखते रहता है वो दिख रहा है एक्चुअली मैं घर की तरफ ही जाता है बैक साइड से तो इस तरह से ऑफिस बना हुआ है और यहाँ पर देखो खाने पीने के लिए सब चीज़ें रखी हैं ध्यान रखा गया है है ना टीचर्स का एम का या जो भी मार्केटिंग टीम बैठती है उनके लिए सारी अरेंजमेंट करके रखी है वाटर बॉटल्स हैं तो यहाँ से वाटर बॉटल्स भी आप लोग ऑब्वियसली पानी पी सकते हो अब देखो हम लोग चलते हैं हमारे मेन मेहमान की तरफ जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं हमारे पुलकित सर है ना तो पुलकित सर की तरफ चलते हैं उनका ऑफिस मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले वेदांतु का ये देखो आप लोगो आई हाय लुक एट इट सो दिस इज़ वेदांतूज़ लोगो जो बहुत चमक रहा है दिखाई दे रहा है आप लोगों को है ना तो चलो अब हम पुलकित सर की तरफ चलते हैं देखो ये पुलकित सर का ऑफिस है जनरली वो यहाँ पर मिल जाता है बाकी पुलकित सर इट्स लाइक भवरा <laughs> वो कहां मिलेंगे हम नहीं जानते अभी पुलकित सर काम कर रहे हैं उनको नोक करते हैं पुलकित सर कैन आई कम ओके सो ही इज मीटिंग राइट नाउ बट उन्हें क्योंकि मैंने पहली टाइम ले लिया था उनसे 2000 बच्चे देख रहे हैं आपको अमेजिंग गुड टू सी ऑल ऑफ यू अरे वा अरविंद सर आप पूरा ऑफिस का टूर करा रहे हो आई थिंक बच्चों को बेंगलोर ऑफिस टूर सो इट्स अमेजिंग गाइज एंड विश ऑल ऑफ यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर आई uh, विश कि ये साल आपके लिए खूब सारी खुशियाँ लाए खूब सारी सक्सेस लेके आए आपको खूब सारी मेहनत करने की ताक़त दे राइट और ये नालायक जो वायरस है वो आपसे बहुत दूर दूर रहे आप सबकी फैमिली से बहुत दूर दूर रहे राइट तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष हम सबकी बहुत सारी ब्लैसिंग्स आपके साथ हैं ये इतनी बड़ी ब्लैसिंग आपके साथ हैं ही अरविंद सर आपके साथ राइट तो खूब मेहनत करो बच्चों पढ़ाई करो और जैसे आप यहाँ देख रहे हो मेहनत ज़िंदगी में हमेशा चलती है जैसे सब लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग अपने लिए मेहनत करिए बस यही चाहिए हम लोगों को हमें आपसे क्या चाहिए तुम हमें मेहनत दो हम तुम्हें सक्सेस दिलवाएंगे <laughs> <laughs> यस देखो पुलकित सर को ना दो मिनट और लेते हैं पुलकित सर यस सर फैली पुलकित सर एक्चुअली ना बहुत सारे हैं आपने वो कोरोना के चक्कर में घर चले गए थे अभी हमने किया तो आप ये बताओ कि आपके जो चार फ्लोर्स हैं आप यहीं क्यों बैठते आपका फेवरेट एरिया क्या ये मेरा hmm. फेवरेट एरिया है एक तो आपने जो लाइब्रेरी वाला एरिया देखा होगा अरविंद सर ने दिखाया hmm. वो वाला और hmm. ये स्टूडियो hmm. आप अरविंद सर दिस इज़ द स्टूडियो वेयर यू नो वी ऑल टेक क्लासेस hmm. तो जैसे मैं यहाँ पे आराम से खड़े होकर क्लास लेता हूँ hmm. सो दिस इज़ आवर फेवरेट एरिया मतलब मेरा भी फेवरेट एरिया है आराम से शांति से क्लासेस भी लेता हूँ मैं क्योंकि अब सब लोग बाहर गए हुए हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिव सिटीज़ में हैं तो हम लोग मीटिंग्स भी रिमोटली कर लेते हैं सो नाव द वर्ल्ड इज रिमोट एंड लाइव दैट इज़ वॉट विदान टू स्टार्टेड 2014 में स्टार्ट किया था हमने ये और आज बहुत खुशी होती है देख के कि यू नो हम सब लोग आप सब बच्चे दूर दूर से ऐसे पढ़ पा रहे हो राइट कितनी अच्छी बात है ये कितनी अमेजिंग बात है है ना तो यही दूसरा सवाल मेरा ये हाँ। है कि जितने एम अभी घर पे चले गए और जितने स्टूडेंट थे बहुत सारे वो घर पे चले गए तो उनको बैंगलोर का ये ऑफिस देखने को कब मिलेगा मतलब आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी नंबर आ जाएगा क्या लगता है हाँ बस अब मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है uh, हम सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं हम लोग सेफ्टी uh, फॉलो करके प्रिकॉशंस फॉलो करके हम यहाँ पे हैं एंड आई थिंक जल्दी वैक्सीनेशन भी आ रहा है थैंक्स हाँ। आप सब लोग तो खैर डॉक्टर्स और बायो के जोन में हो राइट आप देखिए कितनी कितनी ज़रूरत है इस दुनिया को आप बच्चों की राइट आ, वी सी फ्यूचर इन यू आप जैसे बच्चे कल को डॉक्टर्स बनेंगे आप जैसे बच्चे कल को रिसर्चर्स बनेंगे इन द फील्ड ऑफ ऑफो द बायोटेक्नोलॉजी बायो, बायो साइंसेस बायोलॉजी मेडिकल साइंसेस और ऐसे वायरसेस को हम सबसे दूर रखेंगे राइट अच्छा, एक और बात बताओ संडे को आप कहीं घूमने गए थे कहाँ गए थे मैं बेंगलोर में हाँ यार, मैं घूमने गया था तो नंदी हिल्स के पास एक छोटा सा डैम है वहाँ पे गया था खूबसूरत पानी कोई नहीं था वहाँ पे तो पानी की आवाज और शांति अच्छा तो लगता है आता था अभी अब जो नीट में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा अपने बच्चों का तो हमें लेके जाना चाहिए वहाँ पे शायद बच्चों आ, मैं एक्चुअली बोलूंगा सिलेक्शन हो या ना हो आप आओगे तो हमारी तरफ से पार्टी पक्की हाय ठीक है ये हम लोग सिलेक्शन से हम बच्चों को कभी जज नहीं करते हम जज करते हैं अगर आप अपने खुद के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो आपकी जो रैंक आए आपकी रैंक ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिंदगी आपकी रैंक से नहीं चलने वाली ये रैंक आपको एक्चुअली मेहनत करना सिखा रही है राइट बस मेहनत करना सीख जाओ जिंदगी में तो अच्छा कर ही लोगे टेंशन नहीं है क्या बात है क्या बात है दिल जीत लिया सर ने <coughs> तो अभी फटाफट फटाफट फड़ से आप लोग जब भी बैंगलोर की टिकट रहा हो ना तो देख लो पुलकित सर ने आपको इनवाइट कर लिया तो so, सर वो दिखा देना हमारे ऑफिस के बाजू में मैकडोनल्ड भी है हमारे ऑफिस के नीचे बर्गर किंग भी है यहाँ पे के <laughs> भी है पिज्जा भी है तो जब भी आओगे पार्टी पार्टी हमारी हमारी तरफ तरफ से तरफ से ओ माय गॉड थैंक यू सो मच आज दिन बन गया आज का ना <laughs> पुल ने दिन बना दिया तो आप लोग आओ बेंगलोर में कभी भी आप आओगे ना बस वेदांत तो ऑफिस आ जाना एच लेआउट में है एड्रेस मैं आपको बता दूंगा वैसे भी गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हो थैंक यू सो मच पुलकित सर मजा आ गया बात करके थैंक यू सो मच बाय बच्चो चलो तो अब मैं आपको और आगे का टूर कराता हूँ ये तो हमारा फर्स्ट फ्लोर था तो आप लोग देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर है इट इतना खूबसूरत दिखता है ये लोग यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं है ना ये देखना भी जरूरी है कल को आप लोग आओ है ना कभी स्टार्टअप कंपनी में काम करने का मौका मिले है ना तो आप लोग क्या कर सकते हो ऐसे ऑफिस में आपको चिल मारने का मौका मिलेगा लेकिन काम भी करना पड़ेगा चलो तो अब चलते हैं हम लोग ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ ठीक है सो लेट्स गो फॉर सेकेंड फ्लोर बोल सेकेंड फ्लोर में पता है कौन मिलेगा सेकेंड फ्लोर में हमें मिलेंगे हमारे आनंद सर है ना सो so, आनंद सर से कौन कौन मिलना चाहता है जस्ट राइट चैट सेक्शन आनंद सर से मिलने वाले हैं तो ये हमारा सेकंड फ्लोर आ गया अब आप लोग देखो सेकंड फ्लोर कैसा दिखता है ओके okay. सो so, ये हमारा खूबसूरत सेकंड फ्लोर आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा और ये हमारे भैया हैं और भैया नाम बताओ मेरा नाम अभिजीत दे है हाँ तो ये भैया है यहाँ पर पूरा रिसेप्शन और पूरा मतलब यहाँ का कमांड इन्हीं के हाथ में है मतलब कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता <laughs> बाय द वे एक चीज दिखाता हूँ देखो यहाँ पर भी कोरोना को सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सैनिटाइजर एनवॉल सब चीज़ें हैं बायदा जो भी कोई अंदर आता है तो भैया टेम्परेचर चेक करते हैं टेम्परेचर मशीन दिखाओ इनको तो ये भैया टेम्परेचर चेक करते हैं और उसके बाद ही अंदर आ सकता है कोई ऐसे नहीं आ सकता मतलब परिंदा भी कोई पर नहीं मार सकता है ना सो ये सारी भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि पूरा अच्छे से संभालते हैं मेरे पास आज क्या हुआ मैंने अचानक से प्लान किया कि मैं सेशन लूँगा और uh, मेरे पास मेरे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है माइक भी आज मैंने मांगा है सच बता रहा हूँ तो, 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 तो चलो मैं अब आपको टूर कराता हमारे कौन से फ्लोर का अब हम कौन मिले हैं हमारे फ्लोर पर चलो मैं आपको टूर करवाता अच्छा माइक तो नीचे ही रह गया मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ मेरे जूते बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ <laughs> चलो तो अब चलते हैं हम लोग ये देखो यहाँ से ये गेट है इसको खोलो फिर उसके बाद ये हमारी ये जो सेकेंड फ्लोर है ना ये हमारी यादें ताज़ा करता है। मैंने अपना ज़्यादातर समय यहीं बिताया ठीक है सो ये अभी तो दिखाए नहीं है अभी ये ये जो आपको दिख रहा है ये स्टूडियो है और इस स्टूडियो में हम लोग करते थे रिकॉर्डिंग है ना सो so, अभी अंदर मैं आपको मिलवाता हूँ कौन है सो so, लाइव सेशन में पच्चीस बच्चे अभी देख रहे हैं और हमारे साथ वो हैं जो आपको इस चैनल पे बॉटनी पढ़ाती थी कौन Hi kids. सो so, दीक्षा मैम आपके साथ है यार बहुत सारे लोग दीक्षा मैम को मिस happy करते हैं है ना सो so, दीक्षा मैम पहले तो आप ये बताओ कि आप अचानक से बेंगलोर दिख गए क्या रीजन <laughs> है सर रीजन है कंपनी ने बुला लिया क्या बात है यस आई एम सो हैप्पी टू बी हियर इन बेंगलोर एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल

सर uh, नए साल का रेजोल्यूशन ये बनाया मैंने कि चिल रहना है लाइफ में राइट like, खुश रहना है <laughs> मैं अपने बच्चों से भी यही बोलूंगी कि यार खुश रहो टेंशन वेंशन लो एक तो अरविंद सर इतने सारे मोटिवेशन वाले वीडियो बना देते हैं और डर सा लग जाता है बिल्कुल है ना <laughs> कि कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है <laughs> तो अच्छा है अरविंद सर के वीडियोज़ देखो ठीक है मोटिवेटेड रहो राइट एंड स्टे हैप्पी दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट एंड दिस इज़ माई रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर ओके गाइज ठीक है थैंक यूक यू सो मच दीक्षा मैम तो भाई ये भाई। स्टूडियो है बाय बाय ले लो एक बार सो <laughs> so ये स्टूडियो जहाँ दीक्षा मैम रिकॉर्डिंग कर रही है अभी उनकी पीछे रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी चल रही थी और अभी शायद उसी को वो फॉरवर्ड कर रही है तो ये स्टूडियो है जहाँ से रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है ऐसे सेम देखो पीछे कैमरा है जो इनको यहाँ से वीडियोस के इनपुट लेता है और फिर आप तक वीडियोज पहुँचती हैं अभी रिकॉर्डिंग्स थी लाइव सेशन भी यहीं से होते हैं तो ये पूरा स्टूडियो है जो आपको दिख रहा है और एक्चुअली मैंने ना मेरे ज्यादातर सेशन यहीं से ही किए हैं सो so, बहुत सारे मतलब यादें जुड़ी हैं और बहुत सारे टीचर्स की यादें जुड़ी होंगी क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने बहुत लाइव सेशनस लिए हैं जो लोग देख रहे होंगे है ना ठीक है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में चले गए बट यही वो जगह है जहाँ हम लोग मस्ती क्या करते थे चलो और फाइनली ये छोटे छोटे से ऑफिसेज़ हैं ये पोर्ट्स इनको हम लोग बोलते हैं इन पोर्ट्स में एक्चुअली होती हैं क्लासेस इन्हीं पोर्ट्स में क्लासेस होती हैं तो आपको दिख रहा होगा मैं उधर से पीछे देखो ये लोग हैं ये हमारे महाशय नाम बताओ सबको देखो ये है आसिम दास ये एक्चुअली मतलब ओवरऑल हम लोग कहें कि हमारे हमको कभी भी कुछ स्पेशली uh, एम को ज़रूरत होती है तो ये ये भाई साहब है जिन्हें हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ता है और ये हमें इतनी हेल्प करते हैं कि बस उसके बाद हमें किसी की याद ही नहीं आती तो एक्चुअली हम लोग कहें कि हमारे है <laughs> ना बैकबोन है तो गलत नहीं होगा पीछे देखो यहाँ पर इस तरह से ये देखो कितना खूबसूरत है आ, बहुत सारे लोग एक्चुअली एम घर पे चले गए हैं तो आप लोग देखो वेदांतू का ये सेकंड फ्लोर है ये वही फ्लोर है जहाँ पे आप लोग क्लासेस लेते थे पोर्ट के अंदर बैठ के याद है उसे रिनोवेट कर दिया है और बहुत ही खूबसूरत बना दिया है पीछे आप देखो वो देखो ओ माय गॉड इट बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर काफी लोग हैं और मैं उनसे आप लोगों को मिलवाता हूँ ठीक है और देखो मेरे ना शक्ल पे मत जाना मैं सच बता रहा हूँ मैं अचानक से प्लान बन गया था सिर्फ आपको जगह देखनी है ठीक है सो ये होता है ये देखो ये कहलाता है आपका वॉट कैन से हाँ Uh, जो स्टार्टअप्स होते हैं कंपनीज में इस तरह से काम होता है देखो लोग बैठे हुए आराम से और काफी लोग आप लोगों को टीचर्स वगैरह सब आप लोगों को कहाँ मिलेंगे जैसे ये देखो ये महाशय पर क्लास ले रहे हैं हाय yeah, right okay. so, hey तो जानता हूँ नाम सुना है मैंने सो विपुल सर कैसा लग रहा है आपको विधानसभा ज्वाइन किया ज्वाइन किया अच्छा, so, ये बताओ 2021 का क्या है है। आपका? मैं बहुत बहुत खाना 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 चाहता हूं और <laughs> बहुत exercise करना चाहता और और करना आप दिख रहे हो <laughs> कितना खाओगे? <laughs> अरे सब छुपा हुआ चलो आपको हम लोग मिलवाते हैं हमारे बड़े भैया से <laughs> जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। शक्ल पहले पहले तो मैं पूछूंगा पहचान कौन अगर आपने पहचान लिया तो फिर मैं उनकी जो सुंदर वाणी है जो हमें सुनने को मिलती है है ना आप लोगों को काफी बार सुनने को मिलती है पहले पहचान कौन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड स्टूडेंट वॉचिंग राइट नाउ सर तो बोलो पहले पहचान कौन नाम जो सही लिख देगा ना उसको सर की तरफ से ना एक चॉकलेट का बॉक्स आ रहा है वहीं पे ही <laughs> बताओ पहचान कौन सही जो बता देगा देखो सही सही सचिन सर देखो मास्क जब तक हटाते नहीं ना अ पकड़ लिया दुर्गा दुर्गा ने पकड़ लिया आनंद सर सही बोले सर आप तो अपनी शक्ल दिखा दें ऐसे मत करो <laughs> तो फाइनली अभी पुलके सर से आप लोग मिले थे ना अच्छा चश्मा नहीं पहना था नहीं। अच्छा ऐसे हे एक व्हाट्सअप जल्दी से हाय बोलो एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सारी बलाएं दूर हो जाए आपसे ये स्पेशली कोरोना वाली बला जिसकी हाँ। वजह से हमें ये मास्क पहन के रहना पड़ रहे पड़ता है सो हाउ हाउ इज एवरी वन जोश अच्छा। यो तो लिखो यार चैट बॉक्स में कम ऑन हाय से काम नहीं चलेगा अच्छा मैं कुछ सवाल पूछूंगा हाँ ऐसे जाने नहीं दूंगा हाँ पूछो पूछो मजा तभी आएगा हाँ, हाँ, पूछो, पूछो सबसे पहले 2021 का आनंद सर का रेजोल्यूशन क्या है यार इस साल कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है क्या बात प, है? पहला साल है जब कोई रेजोल्यूशन नहीं है कैसे यार पिछले साल इतने सारे रेजोल्यूशन बनाए थे कोरोना ने सारे ठप करा दिए <laughs> तो फिर इस साल कोई रेजोल्यूशन नहीं है ऐसा थोड़ी है 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 गोवा जाने का, जाने का का थाईलैंड बनाओगे मैं अच्छा वाला रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन भाई ए, ए, तोगे एकी, तोगे। एकी भाई एक एक ही ही कि तुम लोगों की रैंक बहुत अच्छी है ठीक हाँ। है और उसके लिए मैं इनको इतना इतना मतलब इनको तंग करता रहूंगा तुम्हारे सर को ताकि ये तुमको और मेहनत करे और पढ़ाते रहे तो ये एक रेजोल्यूशन ले सकता हूँ

एक ऐसा सरीन इन्वायरमेंट हो जहां बैठ के आ, सो आपने फर्स्ट फ्लोर दिखाया होगा दिखाया तो फर्स्ट फ्लोर का कॉन्सेप्ट है कि वो लाइब्रेरी पूरा बनेगा जहाँ पे बहुत सारी किताबें होंगी मतलब दुनिया में जितनी अच्छी किताबें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो साइंस सबकी किताबें होंगी यहाँ पे और टीचर्स उसको यूज कर पाएंगे वहां पर पढ़ाई कर पाएंगे और ये बिल्कुल शांत एन्वायरमेंट है जहाँ पे बैठ के कोई भी टीचर क्लास तो चलो अंदर से लेंगे ठीक है पॉड्स हैं बट यहाँ बैठ के दे कैन एक्चुअली स्टडी एंड डू देयर वर्क सो दैट

Uh, मेरा फेवरेट फ्लोर अगर बोलोगे तो वो है और अदरवाइज बच्चों के हिसाब से फोर्थ फ्लोर बनाया जहाँ पे दो क्लासरूम्स बनाए हमने अमेजिंग क्लासरूम तो वो दिखाओ आप इनको मजा आएगा तो वो क्लासरूम जहाँ पे बच्चे अगर कोई बैगलोर का है कोई आना चाहता है कोई बैठ के पढ़ाई करना चाहता है वो भी आ सकते हैं और एक्चुअली एंड स्टडी इन टू रूम्स सर का जो सेकंड फ्लोर है ना मतलब सेकंड फ्लोर पे सर का ऑफिस है उसका टूर करते हैं सर के साथ ही ताकि सर ही बताएं एक्चुअली सर ने देखो बहुत ही खूबसूरती से अपना ऑफिस बनाया है तो देखना तो बनता है ना तो चलो देखते हैं सर का एपी सर का ऑफिस कौन-कौन तो देखना चाहता है कम ऑन डू लिख दो तो देखो बत... हम तो देखना ही चाहते हैं हम तो गए हैं बट आपको देखना चाहिए हाँ। लुक एट ये हाँ। है एपी सर का ऑफिस अभी इसमें भी किताबें कम है हां बैठे हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली ये रही एपी सर की ऑफिस इसमें पीछे आप लोगों को पीछे देखो किताबें हाँ। अभी हैं किताबें मैंने अलग रखी हैं विल सेग्रीगेट द बुक्स और यहाँ पे सर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे डिस्कशन वगैरह होती है वेदांतों का लोगो लगा हुआ है आई थिंक आपको दिख रहा होगा और सर का ऑफिस जो है ना बहुत ही खूबसूरत दिखता है बाहर से ही <laughs> अंदर से नहीं दिखता है <laughs> अंदर से, से जब बाहर देखते हैं तब तो। अच्छा तो चाय पॉइंट है बाहरी अब सर को जब चाय पीने की इच्छा हो जाती है तो सर फटाफट से ऑर्डर कर देते हैं नहीं सर, है। सर सर आ, की पीने की इच्छा नहीं होती सर को पिलाने की इच्छा होती है सही सही क्या ठीक है <laughs> चलो चलो बच्चों ओके ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021 मे दिस ईयर ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस जितनी सारी खुशियां हो सकती हैं जो आप सोच सकते हो सब आपके पास आए और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने सेहत का ध्यान रखना इस साल में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी बहुत सारे बर्ड फ्लू भी आ गया है पता नहीं क्या क्या आ गया सो बेसिकली जस्ट ट्राई टू सेफ गार्ड योर सेल्फ एग्जाम का समय है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वक्त है इस वक्त को ज़ाया ना करें इस वक्त का इस्तेमाल करें और uh, ऐसे बीच बीच में टाइम पास सर के साथ कर लिया करो ताकि यू uh, इस इंजॉय एटलीस्ट इंटरटेनमेंट होना जरूरी है बीच बीच में अब घर से बाहर नहीं निकलते तो सर ने सोचा खुद ही बाहर निकल जाते हैं और, और आपको घुमाते हैं वर्चुअल टूर सो फाइनली थैंक यू सो मच आनंद सर है ना अभी सर के मीटिंग्स वगैरह होते हैं और हमने पहली टाइम ले लिया था आज ताकि हम लोग सर को परेशान कर सकें हाँ ऊपर लेके जा रहा हूँ देखो आप आनंद सर ने बोला ना तो आपको फोर्थ फ्लोर दिखाना बनता है तो फोर्थ फ्लोर बहुत ही खूबसूरत है तो चलो अब मैं आपको टूर कराता हूँ फोर्थ फ्लोर का यहाँ पे चल रहे हैं <laughs> देखो, देखो 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 भाई साहब ने लाइव सेशन चला रखा है देखो ये लाइव सेशन चला रखा है नाम नहीं बताओगे अपना देखो नहीं शबीर 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 अभी क्या देख रहे हो अभी आपका ही लाइव देख रहा सर कोई काम दो काम गया गया। <laughs> अरे अरे एक पर्सनैलिटी मिलाना ही भूल गया आपको विकास सर आज यही है विकास सर ये नहीं देखो छुपके बैठे हैं मतलब मिलना ही नहीं चाहते बात होती है क्या अरे बच्चों से मिलो देखो लाइव अच्छा, बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं अरे यार क्या बात है? ये हो सकता था दो हजार इक्कीस का सबसे पहले बच्चों को रेजोल्यूशन आपका क्या है ना? ना 2021 का रेजोल्यूशन मेरा रेजोल्यूशन है इस बार वेदांत से एक अंडर टेन रैंक देना आए हाय क्या बात है मतलब पता है आपको एक बात बताऊं यार मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन है ये मतलब इतने कूल cool डूड है कई लोगों को ना बहुत चीजों से मतलब इधर से ऑफर उधर से ऑफर हमारे सर को ना एक्चुअली बच्चों और बच्चों के रिजल्ट से मतलब होता है

तो बैठता मैं यहाँ पर हूँ लेकिन हाँ जब मेरे को टाइम पास करना होता है तो मैं नीचे जाके बैठ जाता हूँ कभी कभी टाइम पास के लिए नीचे है क्या सवाल ये हमारा टाइम पास के लिए नीचे है व्यू थाए, थाए, जो कि यहाँ पे नहीं है <laughs> हमारे नीचे वाले ऑफिस के अंदर जो वॉल्स हैं वो शीशे की बनी हुई है तो बाहर का पूरा व्यू दिखता है मौसम पूरा नजर आता है और बस बढ़िया लगता है वहां बैठना अरे बाहर देखना क्या चाहते हो अभी बाहर अब यहाँ बंद कमरे से तो जो भी दिखेगा बढ़िया ही दिखेगा ना बस यही है अच्छा ठीक है। विकास so, सर पढ़ाते हैं हैं। और इनके batches आप लोग लो कर सकते हैं। मैं आपको आपको एक बात बोल सकता हूं। अगर आपको में physics में अपने कॉन्सेप्ट एकदम जेई के से, नीट के से डीपली अगर आप लोगों को यू नो चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट तो आप विकास सर की क्लासेस जरूर देखो वे प्लेटफॉर्म अभी पढ़ाते हैं और आप इनको ज्वाइन करो यार ही ऑसम फैकल्टी

परफॉर्मेंस इंप्रूव हो उन सबकी रैंक्स जो वो डिजर्व करते हैं उससे भी अच्छी आए सो आई ट्राई टू डू दैट सो प्लीज ट्राई टू बी पार्ट ऑफ एक एंड एक नीट में भी लॉन्च होगा बहुत जल्दी लॉन्च होगा तो आप लोगों के लिए भी है सो जस्ट स्टे ट्यून्ड यू विल हेयर अबाउट इकलव वेरी वेरी सुन अच्छा मैं एक एक बात बता दूं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करता हूं पहली बात तो एकलव्य बैच पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसका कोई चार्ज नहीं है दूसरा हमारे विकास सर पता है ऐसे वैसे वाई टी वाई टी पे नहीं पढ़ाते हमारे जैसे <laughs> नहीं ये एक्सक्लूसिव बैचेस पढ़ाते हैं टॉपर्स को पढ़ाते हैं और वो जो एकलव्य बैच के बारे में बात करे ना इसका कोई चार्ज नहीं है बच्चों लेकिन आपको अगर एकलव्य बैच में एंटर होना है

सस्ती फैकल्टी नहीं है <laughs> चलो विकास सर थैंक यू सो मच अब मैं बच्चों को मिलवाता हूँ फोर्थ फ्लोर चो, चो। चलो चलो अब हम चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे है ना मज़ा है ना आप लोगों को तो ये देखो अस् समय कितना खूबसूरत दिख रहा है लेकिन फोर्थ फ्लोर बहुत ही सुंदर है तो चलो मैं आपको फोर्थ फ्लोर लेके चलता हूँ थर्ड फ्लोर पे क्या है ना अभी रिनोवेशन चल रहा है तो थर्ड फ्लोर मैं आपको नहीं घुमाऊंगा फोर्थ फ्लोर पर लेके चलता हूँ हाँ, एक अभी देखो इंफॉर्मेशन भी मिल गया एकलव्य बैच में अगर आप तोप हो भाई तो फ्री में पढ़ने का इतनी औसम फैकल्टी से मौका मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप आप एक लवे बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो है ना जिसमें सर सर विकास और भी वहाँ पे पढ़ाती हैं तो चलो अब हम चलते हैं फाइनली फोर्थ फ्लोर की तरफ तो लेट्स गो टू द फोर्थ फ्लोर ये हमारे भैया है ऐसे कैसे छोड़ते पता है एक बात बताऊ तुम्हें यार एक बात बताऊं इतनी हेक्ट्रिक स्केड में अगर कोई चाय पिला दे और वो भी इतनी मधुर मधुर तो बस उससे मन तृप्त हो जाता है और पहले भैया नाम बताओ अपना मलेश। मलेश। आप तो काम नहीं हो सकता हूँ तो हमारे दो भैया है जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं हमारे चाय का नाश्ते का पानी का और हमारा सब चीजों का ध्यान रखते हैं इन्हीं में से मल्ले भैया मल्ले भैया बच्चों को कुछ कहना चाहते हो अरे बोलो बोलो दो शब्द बोलो अब यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले <laughs> है ना तुम्हारे भैया है और इनके लिए एक बार इनके लिए तो समझ बनता है भाई है ना तो so, मलेश भैया ना हो तो हम जैसे तो काम ही ना कर पाए सच बता रहा हूँ मैं गारंटी के साथ चलो मलेश भैया फोर्थ फ्लोर में जा रहा हूँ मैं ना कैंटीन वगैरह दिखाता हूँ वहाँ पे क्लासेस भी हैं और वहां पर है क्लासेस के साथ साथ क्लासेस भी हैं और कैंटीन भी है, है वहां पर तो मैं चलता हूँ सीधे फोर्थ फ्लोर पे थर्ड फ्लोर नहीं देखेंगे थर्ड फ्लोर में जो स्टूडियोज़ वगैरह हैं वहाँ पे रिनोवेशन अभी चल रहा है फोर्थ फ्लोर तो इतना खूबसूरत बना है कि जितने लोग अभी बहन के जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया आई एम लाइव राइट नाउ ओके सो ये है अभी फोर्थ फ्लोर पर हम लोग आ चुके हैं सो so, ये फोर्थ फ्लोर एंटर होते हैं कई लोगों ने नहीं देखा होगा अब आप ध्यान से देखोगे भैया भी मिल गए हमारे यहाँ पे पहले तो पूरा ऊपर रिनोवेट कर दिया गया है मज़े की बात दिखाता हूँ उधर तरफ कैंटीन है यहाँ पर ऑफिसज़ बना दिए गए हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगा है ना ये सब हटा के ऑफिस बन गए हैं खूबसूरत ऑफिस चलो देखते हैं ओके सो ये एक ऑफिस है इसका डोर इस तरफ है तो ये ऑफिस है ये इसका डोर है अंदर जाओ मीटिंग मीटिंग कर सकते हो दिख रहा है यस मास्क भी पड़ा हुआ है देखो ये मास्क है तो मैं लेके जाऊँ पता नहीं किसका है <laughs> नया मास्क भी दिया देखो हाँ उसके बाद क्या है हम आगे चलते हैं नेक्स्ट है बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ क्लासेस बनवाई हैं जो ए पी सर आपको बोल रहे थे ये देखो यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं है, है ना सो so, ये मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं इस तरह से लोग आते हैं मीटिंग्स करते हैं ये उनके लिए ऑफिसेस बनाया है लाइफ सर्स इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ ठीक है और इसके अलावा ये देखो ये ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है आपको दिखाता हूँ ओके सो ये एरिया यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं जैसे कि ये अभी अपना मीटिंग का प्रिपरेशन या ऐसा कुछ कर रहे होंगे यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं ऑफिस में कई बार मास्टर टीचर कॉन्सेप्ट भी सोल्व करते हैं बच्चों के यहाँ पर बैठ के तो ये है हमारा ऑफिस और उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेन चीज की तरफ है ना क्लासेस कहाँ भी हैं यार अच्छा क्लासेस उस तरफ ये नहीं ये नहीं क्लासेस तो अब इस तरफ चलते हैं हम लोग क्लासेस की तरफ ये है क्लास ये, है क्लास। ये देखो सो तो ये क्लास है ओके हाँ पता है यहाँ पर किनको पढ़ाया जाता है अच्छा सब लोग तो ऐसा कंफ्यूजन में होंगे कि वेदांतो में तो सब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो ये क्लासरूम क्यों बने रहे? ये क्लासरूम्स हैं देखो है ना दिखाई दे रहा है तो एक्चुअली ये ना स्पेशल बैचेस के लिए हैं जैसे कि एकलव्य बैच हो गया तो उनके बच्चों को हम लोग बैंगलोर सारा खर्चा एकलव्य बैच में सिलेक्शन कराना थोड़ा हार्ड है लेकिन उसमें सब खर्चा वेदांतों को खुद ही उठाता है आपके रहने का खाने का आपकी क्लासेस का मास्टर टीचर यहाँ पर आके पढ़ाते हैं आपको पर उसके लिए आपको मतलब एकदम टॉप होने का मांगता है <laughs> मतलब आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए हो और आपके कॉन्सेप्ट बड़े गज़ब के होने चाहिए हो। तो ये जो क्लासेस है बेसिकली वो वेदांतों के क्लासेस ऊपर बना दिए गए मास्टर टीचर्स ने भी नहीं देखे होंगे पर गाइस यहाँ पर जो अपना मीटिंग एरिया हुआ करता था वहाँ पे क्लासेस बन चुकी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत क्लासेस इतने बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं केमिस्ट्री का ये कुछ बना हुआ है सामने पता नहीं क्या है ठीक है सो चलो अब ये पहला क्लास था अब मैं आपको दूसरा क्लास दिखाता हूँ आई एल शो यू द सेकेंड क्लास एज वेल ये गैलरी है बस यहाँ पर लोग ऐसे बात करते रहते हैं एंड फाइनली दिस इज द सेकेंड क्लास रूम ओके सो सेकेंड क्लास रूम में कोई है अच्छा ये है सेकेंड क्लास रूम तो यहाँ पर क्योंकि अभी तो कोरोना के चक्कर में कोई है ही नहीं तो इन दैट केस लोग उसे है ना नॉर्मल वे से यूज करते हैं बट ये क्लासरूम है कॉन्फ्रेंस रूम भी किसको कह सकते हो ये कॉन्फ्रेंस रूम भी बना हुआ है यहाँ मीटिंग्स भी होती हैं और पीछे चेयर्स दिख रही हैं वो क्लास रूम है बेसिकली सो दैट्स सो ब्यूटीफुल तो ये क्लास रूम है और पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ये देखो तो आपको थोड़ा सा आगे लेके जाके दिखाता हूँ फाइनली ये देखो ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है दिख रहा है आप लोगों को सो ये बोर्ड लगा हुआ है और पीछे क्लासेज होते हैं कई लोगों को लगता है कि स्मार्ट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड का ट्रडिशन आ गया तो व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड को कौन ही यूज़ करता होगा लेकिन ऐसा नहीं है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का अपना ही अलग मज़ा होता है ना सारे मास्टर टीचर्स तो जानते ही हैं सो so, चलो सो so फाइनली ये थी क्लासरूम अब मैं आपको दिखाता हूँ कैंटीन कैंटीन वाला एरिया देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर एक कैंटीन भी है तो देखो कंपनी में कैंटीन भी होती है भाई मस्त स्टार्टअप्स में बेंगलोर में बहुत ही ब्यूटीफुल कैंटीन एंड ऑल सारी सुविधाएं होती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कैंटीन तो लेट्स सी कैंटीन यहाँ पर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है खाना खाने के लिए आए हैं सर खाना वाना खा रहे अभी देखो ये फोर्थ फ्लोर दिखा रहे थे और ये सबसे पहले कैंटीन देखो आप फिर लास्ट में जाते जाते भैया से मिलवाता हूँ और फिर ए सर से दोबारा बात करते हैं ये देखो ये है वेदांतों का कैंटीन आपको दिखाई दे रहा है या ये देखो खाना आता है ऐसे अभी मैं थोड़ी देर में मैं भी खाना खाऊंगा ये खाना आता है ये वेदांतों की तरफ से है कोई भी खाना खा, खाना खाना चाहे तो खाना खा सकता है और यहाँ पर ये इस तरह से कैंटीन देखो और पता है आपको ये कैंटीन को खूबसूरत किसने बनाया ये देखो जी हमारे मेहनती भैया भैया इनको जानते हो पता है आपको बहुत लोग जानते हैं आपकी वीडियो वायरल हो गई थी पता है क्या क्या डाल दें <laughs> अच्छा सुनो अच्छा ये बोलो भाई बच्चे से बात करो देखो बच्चे बच्चे देख रहे हैं आपको पच्चीस बच्चे देख रहे हैं हाय हेलो करो हेलो भैया को हेलो बोलो अच्छा भाई एक बात बताओ कि कितने साल हो गए आपको

भूख यार obviously खाना नहीं जाएगा पेट में तो काम कैसे होगा तो ये लोग हैं इनके पीछे अच्छा जाते जाते बच्चों को क्या कहोगे आप टाटा भाई टाटा भाई भाई टाटा भाई भाई पढ़ाई करो सर पढ़ाई करो अच्छे से ओ सारा यार सो सो हां कौन सा मालस भाई किधर मालस है ना अच्छा किधर उधर पीछे कहां गया हमारा देखो ये है अब ये पीछे ये देखो हां मानस मना तो मिल लिया आप लोग तो ये है ओवरऑल वेदांतु का ऑफिस और यहाँ से लोग फोर्थ फ्लोर पर लोग खाना खाते हैं बच्चों से बात करते हैं मजा आता है उन्हें और फिर चिलपिल करने के लिए ऊपर आ जाते हैं और फाइनली अब हम आ गए फाइनली वापस से घूमते घूमते हैं आनंद सर के पास अब जाते जाते देखो खत्म हो गया हमारा ब्लॉक बैठो खाना खाँस हाँ हमारा ब्लॉग खत्म हो गया तो, नहीं तो बढ़िया है बच्चों एंड आई आई थिंक कर ही रहे हैं, मतलब इतने सारे बच्चे अभी तक बैठे हुए मतलब इनको भी मजा आ रहा है मतलब काफी दिनों के बाद इनको ब्रेक मिला है बाहर वर्चुअल टूर करने को मिला है घर से जाने को मिलता नहीं होगा इनको कितने बच्चे घर में बैठे हुए हैं पिछले आठ नौ महीने से और बाहर नहीं जा रहे हैं सच सच बोलना देखो अच्छा इज आस्किंग अदर टीचर्स तो अभी वो कोरोना के चक्कर में सब घर चले गए हैं हम ही सो सो ये बताओ कितने लोग घर में बैठे हुए बाहर नहीं जा रहे हो खेल नहीं कर रहे घूमने का मौका नहीं मिल रहा है अच्छा, मी, मी सच सच बोलना यस <laughs> yes, मी सारे तो तो देखो दिस इज दिस इज अ गुड इनिशिएटिव सर एंड इसी तरीके से और इनिशिएटिव लेते रहो और और जगह घुमाओ इनको जरूर घुमाएंगे क्रिकेट हम खेलेंगे बच्चे देखेंगे मजे करेंगे आ, त... अरे एक्चुअली सर क्या हुआ कि एक्चुअली यहाँ पे तो वाईफाई पावरफुल है हाँ। पर जो मैच खेलेंगे तो वहाँ देखो सर के लिए खाना आ गया सर खाना खाएंगे है ना तो अभी अगर हमने खाना नहीं खाने दिया तो पता है घर से बाहर हमें डांट पड़ेगी एंड एंड ठीक है ऑल वेरी बेस्ट जस्ट डू वेल सचिन सर अभी यहाँ नहीं है सचिन सर अपने घर पे हैं तो uh, उनके घर जाने के लिए सर को ट्रैवल करना पड़ेगा जो कोरोना में मैं अलाउ तो तो नहीं करूँगा बैंगलोर आने वाला, है, वाला है। अच्छा तो ठीक है बढ़िया है फिर तो फिर हम उनके साथ भी पार्टी करेंगे अच्छा घर से क्या आया नहीं बताओगी घर से मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूँ दाल रोटी खाने वाला इंसान हूँ देखो सर का खाना आ गया है अब आप लोग सोचते हैं फाउंडर वगैरह खाते होंगे नहीं ये हमारे सर हेल्थ हैं मतलब ये चीनी भैया तो भी भी चलो, 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 चलो। तो को हम लोग ऐसे चलते चलते खत्म करते है बच्चा पार्टी पुल सर ने कहा था ना आप लोगों को कि आप जब भी आओ पुल सर की तरफ से पार्टी है और हमारे आनंद सर की तरफ से भी आप लोगों को पार्टी है बिल्कुल, बिल्कुल। है ना सो so, आप लोग जब भी बैंगलोर आओ सीधे ले लेआउट का टिकट कटवाना टेम्पो वाले को बोलना और बोलना कि हमें कहाँ जाना है वेदांतु और बस एक बार कॉल कर देना बता देना और हम लोग यहीं मिलेंगे आपको ठीक है इसी के साथ आज के आप लोग को खत्म करते हैं अगर आप लोगों को आज का वेदांतु का टूर अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक द सेशन और जितने एम टीज है यार हम सब आप लोगों को बहुत मिस करते हैं और बस माहौल अच्छा हो और सब लोग मिलें आप लोग आओ उसके बाद फिर से चिल करते हैं और ये सारा ऑफिस आपके लिए बना है देखो अब क्या होता है आगे तो हम जानते नहीं बट अगर आप लोगों को अच्छा लगो प्लीज़ लाइक द सेशन एंड शेयर विद द टीचर्स एज वेल जो भी एम हैं जो चले गए हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है तो हमारे दोस्त ही तो उनसे भी शेयर करो और उनको दिखाओ कि ये मेमोरीज हैं वेदांतों की एंड वी ओल्ड गाई इज एम मिसिंग यू है ना तो so चलो थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय